देवास में कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी वंदना पांडे के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा नशा मुक्त अभियान के तहत कार्यवाही की गई, जिसमें व्रत टोंक खुर्द में मुंडला देव पांडा कंजुआ डेरे एवं सियापुरा सांसी मोहल्ला में दबिश दी गई, जिसमें जमीन के अंदर गड़े हुए ड्रमों से भारी मात्रा में महुआ लहान बरामद हुआ, जिसे मौके पर विधिवत नष्ट किया गया। साथ ही अवैध मदिरा निर्माण की सामग्री बरामद हुई। उक्त कार्यवाही में 70 लीटर हार्ड भट्टी मदिरा एवं 3,200 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया। लाहन को मौके पर सैंपल लेकर विधिवत नष्ट किया गया। कार्यवाही में कुल 8 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम धाराओं के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कार्यवाही में जब्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 1,74,000 रुपए है। आज की कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक राजकुमारी मंडलोई, प्रेम यादव, निधि शर्मा, विजय कुचेरिया, दिनेश भार्गव, उमेश स्वर्णकार, आबकारी मुख्य आरक्षक विष्णु प्रसाद कालोसिया, दीपक धुरिया, राजाराम रेखवार, आबकारी आरक्षक गोविंद बड़ावदिया, बालकृष्ण जायसवाल, आशीष गुप्ता, अशोक सेन, राजेश सोनी, नितिन सोनी, अरविंद वर्मा, नगर सैनिक केदार चौधरी, संजय शर्मा, किशोर सिसोदिया सम्मिलित थे। इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। देवास से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।